अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर, मेरा नाम अबू बकर है। इस टाइम मैं ऑपरेशन 33 के अंदर जो न्यू कटिंग दी गई है, जो न्यू कटिंग का मैप आया है, मैं वहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ। मैंने तकरीबन आई थिंक कोई 1.5 माह पहले यहाँ पे स्ट्रीट टूर दिया होगा और उस टाइम हमें यहाँ पे न्यू कटिंग के हवाले से कोई भी चीज़ देखने को नज़र नहीं आ रही थी। इवन के कुछ काम चल रहा था लेकिन कोई क्लियर पिक्चर नहीं थी हमारे पास कि हम उसको लेके एग्जैक्ट आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं या आपको दिखा सकते हैं कि ये कौन सी स्ट्रीट जा रही है। लेकिन ये कि एक 1.5 माह की प्रोग्रेस जो है वो आज हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पे आज हमें प्रॉपर जो है वो डस्ट ट्रैक देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी हद तक जो है वो यहाँ पे इन्होंने न्यू कटिंग का या जो न्यू मैप दिया था उस हवाले से काफ़ी हद तक एरिया जो है इन्होंने वो डेवलप कर दिया है और उस एरिया में ही हम ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि 33 जिस तरह नाम से मशहूर है कि ये रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम फेसिंग है और स्टार्ट वाले फ्रंट वाले जितने भी प्लॉट हैं वो सारे के सारे डेवलप हैं, ऑन ग्राउंड है। इवन के वहाँ पे घर बनना भी स्टार्ट हो गए हैं जिसमें स्ट्रीट 92, 93, 90, 80, 81, 82 इस तरह की जितनी भी स्ट्रीट्स हैं 70, 78 ये वाली स्ट्रीट्स हमें डेवलप मिलती हैं। स्ट्रीट 100 है, 101, 102, 103 ये वाली स्ट्रीट भी हमें डेवलप मिलती हैं। अच्छा, न्यू कटिंग में कौन सी स्ट्रीट आई है मैं यहाँ पे वो भी मैंशन करता चलता हूँ कि इसका जो एंड वाला एरिया था जहाँ पर अभी इन्होंने बहरिया ने न्यू एवेन्यू दे दिया है जिस एवेन्यू को 36 का नाम दिया है, ये स्ट्रीट 16, 17 और 18 की बैक साइड पर है। पहले यहाँ पे स्ट्रीट 17 और 18 मौजूद थी लेकिन जब इन्होंने ये एवेन्यू दे दिया है, एवेन्यू पे के ऊपर काम इन्होंने किया है तो स्ट्रीट 17 और 18 वहाँ से निकाल दी है। वहाँ पे हमें सिर्फ स्ट्रीट 16 मिलती है जिसके ऊपर घर भी बन रहे हैं और पार्क भी है वहाँ पे जो कि उसकी जगह छोड़ी हुई है, लेकिन 16 जो है वो 100% डेवलप है, ऑन ग्राउंड है। अब जिस एरिया में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ पे हमें न्यू कटिंग का जो मैप आया है, मैं अपने इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैप भी इसका कवर के ऊपर आपके साथ शेयर करूँगा, आप उसको भी देख सकेंगे। मज़ीद अगर आपको अपने प्लॉट के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से या डेवलपमेंट के हवाले से आपने पूछना है या उसकी प्राइस के हवाले से पूछना है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर भी मौजूद होगा, आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर इंशाल्लाह हर तरह से आपके साथ डिटेल शेयर की जाएगी। 33 को मैं काफ़ी एक टाइम से कवर कर रहा हूँ, जब से यहाँ पे ये जो न्यू कटिंग का या इस तरह की चीज़ों का सिलसिला बहरिया ने स्टार्ट किया है तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे और इसकी प्राइस जिस तरह से बात करते हैं कि एकदम से ऊपर चली गई थी, इतना डिस्टेंस होने के बावजूद भी यहाँ पे 1.25 करोड़, 1 करोड़ का रेट आ गया था, तो वो चीज़ भी हम मद्देनज़र रखते हैं। और उसके बाद आज फिर इसके रेट हमें थोड़े से चेंज मिल रहे हैं, जब से ये न्यू कटिंग आई हमें यहाँ पे 80 लाख का भी रेट मिल रहा है, 85 लाख का भी रेट मिल रहा है, 75 लाख का भी रेट मिलता है। जब ये वाले रेट की बात होती है तो यहाँ पे आके मैं ख़ुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई एक प्रॉपर्टी का, एक प्रेषण का जो रेट है वो मिनिमम 1 करोड़ है, लेकिन फिर उसी प्रेषण के अंदर कुछ टाइम बाद 80 लाख का रेट आ जाता है या 75 लाख का रेट आ जाता है, तो वो किस तरह से है? 20-25 लाख कम का रेट आना बिल्कुल बंदे को ये वाली जो चीज़ है वो कन्फ्यूज़ कर देती है। लेकिन अपनी और आपकी इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं प्रेशन 33 के अंदर इस टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ और इसकी जो न्यू कटिंग है उसी के ऊपर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और ख़ुद भी इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और आप भी मेरी इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि ये जो रेट है ये वाकई ही एग्जिस्ट करता है और ये रेट की जो लोकेशन है आज वो भी एग्जिस्ट करती है। पहले ये रेट सिर्फ यहाँ पे एग्जिस्ट करता था लेकिन वो जो लोकेशन या प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती थी क्योंकि उस टाइम यहाँ पे वजूद ही नहीं था, यहाँ पे डेवलपमेंट का वजूद नहीं था या किसी भी तरह के हवाले से काम का यहाँ पे वजूद नहीं था। लेकिन ये कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली जो स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे 90 लाख का रेट है या 85 लाख का रेट है विदाउट पोजेशन, आपके पास ये भी बेनिफिट है कि आप अभी प्लॉट बाय कर सकते हैं और एट द टाइम ऑफ पोजेशन ट्रांसफ़र आप उसका पोजेशन की अमाउंट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेवलपमेंट चल रही है, जब तक ये कम्प्लीट नहीं हो जाता, डस्ट ट्रैक कारपेट रोड नहीं हो जाती, जब तक आपने इसका जो है वो पोजीशन नहीं देना। जैसे ही आपकी ये प्रॉपर्टी जो है वो डेवलप हो जाती है 100%, यहाँ पे रोड बन जाती है, शजरकारी का काम हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का काम हो जाता है, स्ट्रीट बोर्ड लग जाते हैं और लाइटें यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे लगा दी जाती हैं, उसके बाद सीवरेज का भी काम होने के बाद सारी चीज़ें कम्प्लीट होने के बाद बहरिया आपके घर पर एक लेटर भेजेगा जो कि आपको डाक के थ्रू भी आएगा और आपका ईमेल के थ्रू भी आपको यहाँ पे बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से मैसेज दिया जाएगा कि भाई आपका ये प्लॉट नंबर है, ये प्रॉपर्टी आपकी
पोजीशन के लिए रेडी है, आप इसका पोजीशन अप्लाई करके यहाँ पे अपना घर बना सकते हैं। उस टाइम बैरिया आपसे फोर्सली भी पोजीशन अप्लाई करने के लिए आपको बोलेगा, लेकिन आपको उस टाइम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आज मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से काम चल रहा है और दिन रात यहाँ पे बैरिया मैनेजमेंट जो है वो काम करती है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका सबूत आपके और मेरे सामने कि एक अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे लेबर लगा के या स्पीड में यहाँ पे काम किया गया कि आज एक माह के अंदर अंदर हमें काफ़ी एरिया है, थोड़ा नहीं है, ये काफ़ी हद तक एरिया है जो कि हमें एक वजूद की सूरत में मिल रहा है, डस्ट्रैक की सूरत में मिल रहा है। यहाँ पे रोड जो है वो डस्ट्रैक की सूरत में बना दी गई है। ये आप टाइल्स देख सकते हैं कि जो फुटपाथ टाइल हैं वो भी यहाँ पे रखी हुई हैं, और सीवरेज पाइप यहाँ पे डाल दिए गए हैं, मेन होल यहाँ पे बना दिए गए हैं। अब इनकी फाइनल चल रहा है फिनिशिंग जिसे कह सकते हैं डेवलपमेंट की, जिसमें अब इन रोड को कारपेट करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का करना है और स्ट्रीट लाइट्स का यहाँ पे इंस्टॉल होना है। मेन जो मेजर काम था वो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है। आज आप आके यहाँ पे अगर अपना प्लॉट बाय करते हैं तो आप अपने प्लॉट के वजूद को यहाँ पे आके देख सकते हैं, जो कि आज से एक डेढ़ माह पहले यहाँ पे नहीं था। और जो रेट मैं आपको यहाँ पे आज कोट कर रहा हूँ, 90 लाख, 95 लाख, 85 लाख, ये वाला रेट भी हमें जब तक मिलेगा जब तक यहाँ पे रोड वगैरह कारपेट नहीं हो जाती। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, पोजीशन के लिए लेटर आ जाता है, 3 से 4 माह मैक्सिमम मैं टाइम दूंगा। जिस तरह बैरिया यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है और इसको कंप्लीट करने में मैक्सिमम मैं अपनी प्रेडिक्शन से जो है वो आपको 3 माह का टाइम दूंगा कि 3 से 4 माह के दौरान जो है आपको पोजीशन के लिए लेटर रिसीव हो जाएगा। जिनकी भी यहाँ पे अभी प्रॉपर्टी मौजूद है या जो यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करेंगे, अभी नया ओनर बनेगा, उनके पास ये लेटर रिसीव हो जाएगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी का यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। और यहाँ पे स्ट्रीट्स को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, और मैंने एक चीज़ और यहाँ पे ऐड की है कि मेरी जब ये वीडियो अपलोड होगी उसके साथ इसका जो न्यू मैप है वो भी लगा दिया जाएगा, ताकि आप इस चीज़ का अंदाज़ा भी कर सकें। अगर आप मज़ीद इसकी भी डिटेल लेना चाहें अपनी स्ट्रीट के हवाले से, प्लॉट के हवाले से ज़्यादा गहराई में जाके, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रीट है मेंशन करूँ तो स्ट्रीट 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 32, उसके बाद यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया गया, स्ट्रीट 25A, स्ट्रीट 25B, स्ट्रीट 2A, स्ट्रीट 2B, ये वो वाली स्ट्रीट है, स्ट्रीट्स हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ये वाली स्ट्रीट्स आज हमें अपने वजूद में मिल रही हैं, जो कि 2 से 3 माह के मैक्सिमम 2 माह पहले जो मेरी वीडियो अपलोड हुई है इसी एरिया के मैंने आके वीडियो बनाई थी। सेम इसी तरह से न्यू कटिंग के हवाले से मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, और उस टाइम मैंने रेट्स को भी डिस्कस किया था। तो उस टाइम मैं भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई प्रॉपर ग्राउंड नज़र नहीं आ रहा था, ग्राउंड रियलिटी यहाँ पर मौजूद नहीं थी, वजूद नहीं मुझे नज़र आ रहा था। इस वजह से मैंने जो शुरू वाला एरिया था सिर्फ उसी को कवर करते हुए साथ सिर्फ इस एरिया को डिस्कस किया था, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट उस टाइम स्ट्रीट्स का कंफर्म नहीं था। लेकिन आज जैसे ही मैंने न्यू मैप को स्टडी किया और न्यू मैप के हवाले से मैंने एरिया विज़िट किया, तो मैं यहाँ पे आके श्योर हो गया हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली स्ट्रीट्स जो है वो डेवलप हो गई हैं, इनका वजूद आ गया है, और बहुत जल्द आपको यहाँ पे पोजीशन के लिए भी लेटर रिसीव हो जाएगा। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा टाइम है। रेट बार बार यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ऑलरेडी 33 के अंदर जो मिनिमम रेट है वो 1.5 करोड़ का है, 1.10 करोड़ का है पोजीशन वाले प्लॉट का। और ये वाले जो न्यू कटिंग के प्लॉट हैं जो आज डस्ट्रैक की सूरत में है, यहाँ पर आज भी हमें 90-95 लाख का रेट मिल सकता है। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जज़ाकअल्लाह।